हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड से एक चैप्टर इकोनॉमिक से रिलेटिव लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, मतलब यह कहानी पालमपुर नामक गांव की है। इस गांव में बेसिकली फार्मर्स ज़्यादा थे और ये गांव जो था तरक्की की ओर था। आप देख सकते हैं द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। यह जो कहानी का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वह कुछ बेसिक मतलब आधारित कुछ कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन से रिलेटिव कुछ आधारित कॉन्सेप्ट के बारे में यह है। एंड दिस वी थ्रू अ स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल पालमपुर, और यह कहानी जो है पालमपुर नामक गांव से रिलेटिव है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो था वह जो मेन एक्टिविटी था वह फार्मिंग था, मतलब किसानी, मतलब खेती बाड़ी था। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल्स मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही साथ उसमें कुछ छोटे मोटे तौर पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग थे, मतलब निर्माण करने का काम, जैसे कि छोटे मोटे कह सकते स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये यहाँ पर ये हुआ। छोटे मोटे कारखाने भी थे, डेयरी, जैसे कि डेयरी थे, ट्रांसपोर्ट थे, यातायात के साधन उधन कर सकते ईटीसी आर द कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल, जो एक लिमिटेड स्केल से के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ था। दिज प्रोटेक्शन एक्टिविटीज नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफोर्ट्स, मनी ईटीसी। और यह जो प्रोडक्शन मतलब उत्पादन का जो क्रियाकलाप था, उसे कुछ अन्य रिसोर्सेज को भी ज़रूरत था, जिसमें कि नेचुरल रिसोर्स हो, मैन मेड आइटम्स हो, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए चीज़ हो, और ह्यूमन एफोर्ट्स, मनुष्य का प्रयत्न हो, मतलब जैसे कोशिश मतलब मेहनत था, और मनी था। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हम इस पालमपुर के कहानी के दौरान हम इस चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्स कम्बाइन टू प्रोड्यूस अ डिजायर गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। और इस हम पार्ट में हम ये सीखेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे भिन्न भिन्न रिसोर्सेज जो है वह मिलकर प्रोडक्शन में, जैसे कि सामानों और कार्य में, मतलब जैसे गांव, कोई भी गांव हो, उसमें कैसे कैसे मतलब जैसे कि सामान और सर्विस साथ साथ क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उत्पादन उनका होता है। आइए इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ हम देखेंगे। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज, पालमपुर जो था वह आस पड़ोसियों जो गांव थे उससे वेल अच्छी तरह से क्या था, कनेक्ट था, और टाउन शहर से भी। रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से जो रायगंज जो था, एक बड़ा जो विलेज था, वह लगभग 3 किलोमीटर क्या था, दूर था। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और कह रहा है कि एंड यहाँ थोड़ा ध्यान देखेंगे, एंड ऑल वेदर्स रोड कनेक्टेड द विलेज टू द रायगंज, और हर मौसम में कह सकते हैं, हर स्थिति में जो गांव का जो रास्ता था वह रायगंज से कनेक्ट था, और फर्दर और आगे एक छोटा सा शहर था शाहपुर, जहाँ पर वहाँ से मतलब वह एक छोटा सा कह सकते हैं शहर था, छोटा सा टाउन था, वह भी क्या था, वेल कनेक्टेड था उससे। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजुअल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलेट कार्ट्स, बहुत से छोटे छोटे साधन भी उपलब्ध थे, जैसे कि प्रथम बताया गया यहाँ पर बुलेट कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी, टंगर्स टमटम कह सकते हैं, बोगेज जैसे कि उडेन कार्ट ड्रो बाय बुफेलो मतलब भैंस जैसे होते हैं, वह भी कुछ डग्गों को जैसे कि टमटम नुमा कोई चीज़ होता है उस पर कोई सामान लोड होता है, वो क्या करते हैं, खींचने का काम करते हैं, ये सारे साधन वहाँ थे। लोडेड विद जगरी, जगरी का मतलब होता है गुड़, मीठा होता है, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, और अन्य भी साधन थे जैसे कि मोटरसाइकिल थे, जीप्स थे, ट्रैक्टर्स थे, एंड ट्रक्स भी थे। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंग्स टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स, और इस गांव में लगभग 450 फैमिली मतलब परिवार थे जो भिन्न भिन्न कास्ट से रिलेटिव थे, बिलोंग्स करते थे।
The 80 upper caste families on the majority of land in village. और लगभग 80 ऐसे भी कास्ट के जो लोग जो थे वह गांव में उनका अन्य तरह से मतलब एकजुट में क्या था उनका जैसे कि खेत था खेती बाड़ी था. देयर हाउसेज सम ऑफ देम लार्ज क्वाइट लार्ज कुछ उनमें से किसी का घर मतलब कि कुछ बड़ा था आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग जिनका घर जो था ईट से बना था मतलब इसी से कहने का मतलब यहाँ पर पक्का घर था. और द एस सी एस मतलब दलित को कहते हैं जैसे कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन 1 कॉर्नर ऑफ द विलेज. और उस गांव में लगभग कह सकते 1/3 मतलब 1/3 पॉपुलेशन जनसंख्या जो था वह दलित का था जो कि गांव के मतलब कोने उनका निवास था. एंड इन मच स्मॉलर हाउस सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. और जो बचे खुचे जो घर थे वह कह सकते हैं मलबे और मतलब से कि खरपतवार या मलबे के क्या कहते हैं बने हुए थे. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस और बहुत से घर ऐसे थे उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन था. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पावर्स का जो कनेक्शन जो था जैसे कि उसका जो प्रयोग था वह खेतों के लिए था. एंड इज यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस और छोटे छोटे बिजनेस में भी इनका प्रयोग होता था बिजली का. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स में 2 प्राइमरी स्कूल्स थे एंड 1 हाई स्कूल्स और एक उसमें से हाई स्कूल था. दैट अ प्राइमरी विद प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट और सरकार के द्वारा एक छोटा सा मतलब प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया था. एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी था दवाखाना था वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड जहाँ पर मरीजों की क्या होती थी इलाज होती थी. आइए स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आगे देखते हैं. द डिस्क्रिप्शन एवं शोज ऊपर दिए गए जो डिस्क्रिप्शन है वर्णन जो किया गया वो हमें ये बताता है. पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप सिस्टम ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी इरीग्रेशन स्कूल्स हेल्थ सेंटर कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज योर नियर बाई विलेज. यह सारा ऊपर का जो जानकारी हमें अभी मिला है वह हमें यह बताता है कि पालमपुर जो था वह अच्छी तरह से वह विकसित था. वहाँ के सड़कें था ट्रांसपोर्ट था जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इरीगेशन सिंचाई का काम स्कूल था और हेल्थ सेंटर था और आजकल के जो कि हमारे गांव के नज़दीकी जो गांव है उसकी तुलना में. फिर आगे देखते हैं द शॉर्ट द स्टोरी ऑफ पालमपुर इन इमेजिनरी विलेज और एक काल्पनिक यह मतलब स्टोरी सॉरी ये विलेज है. विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज और जो कि यह कहानी हम पढ़ने के बाद हम ये पता मतलब जान सकते हैं कि यह कहानी पढ़ने के बाद हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अपने गांव में उत्पन्न करने की क्या हमारे अंदर एक चीज़ आ जाएगी. इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी और कह रहा है कि जैसे कि इन विलेज अक्रॉस इंडिया भारत में जो गांव हैं वह फार्मिंग इज़ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब भारत में अर्थात हमारे देश जो भारत है उसमें जो गांवों के जो मेन एक्टिविटी या क्रियाकलाप है वह फार्मिंग डिपेंड है जिसकी फार्मिंग खेती बाड़ी है. द अदर रिप्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर्स टू नॉन फार्मर एक्टिविटी इंक्लूडिंग सम और इसके साथ कुछ अन्य भी एक्टिविटी हैं जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे मतलब जैसे नॉन फार्मिंग है. नॉन फार्मिंग का मतलब जैसे किसानी के अलावा भी कुछ एक्टिविटी हैं जिसमें छोटे मोटे कारखाने हैं ट्रांसपोर्ट है शॉपकीपिंग जैसे कि दुकानदारी है ETC. वी सल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी और हमें इन दोनों चीज़ों को दोनों एक्टिविटी को अपने साथ रखना चाहिए. आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट रिप्रोडक्शन मतलब कहने का मतलब इतना सारा चीज़ हम रिप्रोडक्शन के बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जाना यह सारा चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए. अब आइए फिर आगे की तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको इस स्टोरी का. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के बारे में और हम जानेंगे. जैसे कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोडक्ट द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वॉन्ट कर द एम ऑफ प्रोडक्शन जो मतलब उत्पादन का जो एम था लक्ष्य था
to produce the goods and service that we want. जो कि हम जो काम हम करते हैं या जो हम सामान का हम प्रयोग करते हैं उसमें और भी जो हम चाहते हैं उसमें और हम क्या करें विकसित करें, इस बारे में हम जानेंगे. करें, देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जैसे कि गुड्स और सर्विस में चार प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट्स होता है. वह क्या है? पहला, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. सबसे पहले अगर आप चाहते हैं रिप्रोडक्शन, कोई भी चीज़ में रिप्रोडक्शन हो, उन्नति हो या विकास हो कोई चीज़ का, तो उसमें लैंड का होना बहुत ही आवश्यक है. एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, और उस लैंड के साथ वाटर भी जरूरत होता है. फॉरेस्ट मतलब कि इर्द गिर्द मतलब जंगल भी होना चाहिए और माइनरल्स खनिज लौंड भी होने चाहिए. द सेकेंड रिक्वायरमेंट्स इज लेबर. एज एग्जाम्पल पीपल हु विल डू द वर्क. और जो दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर का भी होना चाहिए. पहला मैंने बताया जैसे कि फोर रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्शन में. प्रोडक्शन में मतलब फोर चीज़ होगा, पहला होगा लैंड, दूसरा होगा लेबर. लेबर का भी आवश्यकता होता है, जैसे कि पीपल हु विल डू द वर्क. जैसे कि जो लोग काम करेंगे उसमें लेबर तो भाई चाहिए, कोई कंपनी हो या कोई भी चीज़ कोई फैक्ट्री हो उसमें लेबर की ज़रूरत है. सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेशन वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसिटी टास्क. कुछ आवश्यक, कोई भी कारखाना हो हम कह सकते हैं, कुछ आवश्यक टास्क, टास्क मतलब कार्य के लिए कुछ पढ़े लिखे. सम प्रोडक्शन में यहाँ पर दिए हैं एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स. कुछ वर्कर्स जो हाईली एजुकेटेड हो कुछ फैक्ट्रियों में आवश्यक काम के लिए उन्हें दिया जाता. अदर एक्टिविटी रिक्वायर्स पीपल हु कैन डू मैनुअल वर्क. और कुछ अन्य भी लोग रखते हैं, रखा जाता है जो कम पढ़े लिखे रहते हैं उनके छोटे मोटे काम के लिए रखा जाता है. इच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. और हर लेबर को जैसे प्रोडक्शन उत्पादन के लिए आवश्यक रूप से उन्हें क्या काम के प्रति मतलब रखा जाता है, मतलब उन्हें मेहनत करना चाहिए, रखना चाहिए. जैसे कि आगे आप देख सकते हैं द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. जो थर्ड रिक्वायरमेंट होता है फिजिकल कैपिटल होता है. जैसे कि द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट्स एट द स्टेज ऑफ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन. जैसे कि जब हम कोई भी चीज़ इनपुट हम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होता है तो उसमें मतलब फिजिकल कैपिटल का होना अति आवश्यक होता है. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन से आइटम, कौन से किस्म, कौन से चीज़ आते हैं उसके बारे में देखें. जैसे कि फर्स्ट है कैपिटल. जैसे कि फिजिकल कैपिटल में फर्स्ट चीज़ फर्स्ट ए यहाँ दिया है टूल मशीन्स बिल्डिंग टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लस टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर टर्बाइंस कंप्यूटर डीटीसी. जैसे कि मैं बताया फिजिकल कैपिटल में दो कंडीशन है. उसमें फिजिकल कैपिटल में क्या होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए. जैसे कि फिजिकल कैपिटल मतलब शरीर से होने वाला काम, जैसे कि आप टूल्स का प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग करते हैं, मशीन भी अगर आप चलाते हैं तो वहाँ भी आपको रहना अत्यावश्यक होता है. बिल्डिंग्स में जैसे कि आप देखेंगे टूल्स एंड मशीन रेंस वेरी सिंपल टूल्स सच एज. खेती बाड़ी में भी अक्सर हम देखते हैं कि कुछ सिंपल टूल्स होना चाहिए, जैसा कि जनरेटर हो, ट्यूब टर्बाइंस हो, जैसे कंप्यूटर ईटीसी. टूल्स मशीनरी बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड कॉल फिक्स कैपिटल. और जैसे कि यहाँ पर दिया है टूल्स मशीनरी मशीन्स बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स. लगभग कई वर्ष से जैसे कि टूल्स हथियार हो, मशीन हो और बिल्डिंग हो का यूज़ प्रोडक्शन में किया जाता था और इनको एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल. इनके फिक्स कैपिटल कहते हैं. आइए फिर नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल में जैसे कि कच्चे जो पदार्थ होते हैं एंड मनी इन हैंड, और हाथ में अपने पैसे भी होना चाहिए. उसमें क्या है प्रोडक्शन रिक्वायर्स वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज बाई द वीवर्स. और जैसे कच्चे माल में क्या हो सकता है प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज बाय द वीवर्स. वीवर्स मतलब होता है जो बुनकर होते हैं, उनको हाथ से मतलब कोई भी काम करने के लिए जिसकी बुनकर हो उन्हें धागे
जैसे कच्चे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एंड क्ले यूज बाई अ पॉटर, और एक पॉटर होता है, पॉटर का मतलब होता है जैसे कुम्हार, कुम्हार जो होते हैं उन्हें क्ले जैसे चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ऑल्सो सम मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स। और कह रहा है ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ड्यूरिंग द टू मेक प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर आइटम्स। और जैसा कि इन सारे चीज़ के अलावा भी उनके पास कुछ और भी धन मतलब जिसके पैसे होना चाहिए इस मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि टू उससे वह और अन्य भी पेमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं या कर सकते हैं, और भी पैसे भी कमा सकते हैं, एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम, और कुछ आवश्यक चीज़ों को वह खरीद भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ कहने का मतलब है यदि आप कच्चे मटेरियल का यूज़ करते हैं तो कच्चे मटेरियल आप ले लेंगे उससे काम नहीं चलेगा, केवल उसके साथ जो आइटम्स लगते हैं और कुछ अन्य पैसे भी खर्चा वर्चा जो होता है वह भी चीज़ आपके होने चाहिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ और जो मनी हैंड्स होते हैं वो वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। अनलाइक टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड ऑफ प्रोडक्शन। और जैसा कि इसके कह सकते हैं जैसे कि टूल हुआ, मशीन हुआ और बिल्डिंग्स हुआ, दीज आर यूज ऑफ इन प्रोडक्शन, और ये उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज एक ये छोटा सा वीडियो था, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले प्रतिदिन का वीडियो आपको समय से मिलता रहे। सो फ्रेंड्स थैंक, दैट्स ऑल।